हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीरियल 2023 टीयर वन के जो कि पेपर है हमारा 19 जुलाई 2023 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है, इसके हम लोग मैथ के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल 25 के 25 सवाल को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और इस शिफ्ट का जो पेपर है काफी ही स्टैंडर्ड लेवल का है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको आप बेसिकली सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आपको सही मेथड पता है तो उसको 2 से 3 सेकंड में उस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है जो बच्चे SSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको और भी शिफ्ट के जो सीजीएल का पेपर है उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सारे का सॉल्यूशन हम इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। बाकी सभी का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, या फिर जो इस चैनल के जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक अवेलेबल है, वहां पर भी जाकर के सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। 19/7 से पहले वाले शिफ्ट का, आने वाले शिफ्ट का बहुत जल्दी सॉल्यूशन इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा, तो तब तक आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन समय और कार्य का है, मतलब पाइप एंड टैंक का है। समय और कार्य के कांसेप्ट से हम लोग इसको बनाते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको देखिए सॉल्व कीजिए। कहा गया है इनलेट पाइप है ए और बी, ठीक है। एक खाली टैंक को, ए और बी है, एक खाली टैंक को 1.5 आवर में भर देता है, मतलब हम इसको बोलते हैं 3/2 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप का मतलब क्या होता है, यह सिर्फ पानी को खाली करता है। आउटलेट पाइप है यह क्या है, पूरी भरी हुई टैंक को 4 घंटे में, मतलब 9/2 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। जब केबल पाइप ए और सी को एक साथ खोला जाता है, मतलब ए ए क्या है इनलेट पाइप है, सी क्या है आउटलेट पाइप है, सी के लिए हम निगेटिव लिखेंगे। ये क्या है पानी को 6 घंटे में, टैंक को 6 घंटे में भर देती है, तो खाली टैंक को भरने के लिए बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीनों का हम पहले तो निकाल लेंगे सभी का एलसीएम। देखिए 3 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 2, तो 9 हो जाएगा सभी का एलसीएम, और 6 9 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 18, तो 18 सभी का एलसीएम हो जाएगा। ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 18/3/2, तो 6 दूनी 12, तो 12 हो जाएगी ए और बी की। सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कितना 4 18/9/2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ए माइनस सी का क्षमता कितना हो जाएगा 3। हमसे क्या पूछा गया है, बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है खाली टैंक को भरने में। देखिए पहले सी की क्षमता कितनी है 4, ए माइनस सी की क्षमता कितनी है 3, तो ए की क्षमता कितनी होगी। देखिए सी क्या है यहाँ पर माइनस में, तो कितना हो जाएगा सी, ए की क्षमता 7, ए की क्षमता क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। दोनों को हम जोड़ेंगे तो आपका ए का क्षमता आ जाएगा। अब कहा गया है बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, देखिए ए की क्षमता 7 है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 12 है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 5, मतलब किसी अगर पूरा टैंक 18 यूनिट का काम है, बी 5 दिन में कर देता है, तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा 18/5, मतलब इसको काट लीजिए मिनट, ये तो कितना का 5 15, शेष कितना हो जाएगा 3/5, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना जाएगा ये 12, मतलब 3 घंटे 36 सेकंड में क्या होगा बी टैंक को, खाली टैंक को भर देगा। समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बहुत ही शानदार सवाल था। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। 500 रुपया में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह से चला जाता है कि 16% का लाभ हो। देखिए तो 16% का लाभ करने के लिए सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 500 रुपया में खरीदा गया है, 16% का लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 500 इंटू, यानी हो जाएगा ये कितना 116, मतलब ये 16 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें कितना होगा 4/25, मतलब 29/25, मतलब 25 दूनी 50, मतलब कितना जाएगा 580। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 16% लाभ के लिए 580। कहा गया है बाद में उसे अंकित मूल्य पर एक्स प्रतिशत की छूट देकर बेचता है तो साड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 493, मतलब अंकित मूल्य पे क्या है किसी भी सामान को एक्स प्रतिशत की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाता है 493 हो जाता है। तो पूछा गया है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 580 में बेचना था, ठीक, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको छूट देने के बाद इसको 493 में बेचा गया है, तो पूछा गया कितने प्रतिशत की छूट मिली है, मतलब वही एक्स की वैल्यू आपका निकल जाएगा। देखिए 493 रुपया का सामान में मतलब बेचा गया है, 580 रुपया में उसको बेचना था, बेचा कितना 400, कितने कितने रुपए की छूट हुई, तो ये कितना हो गया 87 रुपीज का क्या हुआ इसको छूट मिला, यही है 87 रुपीज को इसको छूट मिला, तो कितना परसेंट हुआ वही आपको निकालना है, वही क्या है एक्स का वैल्यू है, एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू इतना है, ठीक है। देखिए 29 से काटिए, 29 3 87, 29 2 58, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना 5, मतलब 5 इंटू 3, मतलब कितना हो जाएगा 15, 15% क्या है एक्स का वैल्यू है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर थ्री को देखेंगे। एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, मतलब अगर पुत्र की आयु हम मान लेते हैं एक्स, तो महिला की आयु कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 28, सिंपल है। 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाती है, तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। देखिए 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी इतनी, ये क्या है, दोगुनी हो जाती है, ये सॉरी यहाँ पर कितना है 28 वर्ष बड़ी है, तो ये कितना होता है, दोगुनी हो जाती है किसके, महिला के 3 वर्ष के बाद, मतलब इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इतना x प्लस 31। तो हमें निकालना है x का वैल्यू, तो कितना होगा 2x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 31 माइनस 31 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना जाएगा 25। 25 क्या है हमारा, पुत्र की आयु, हमसे पूछा गया है पुत्र की आयु ही, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ए किसी काम को 4 दिन में कर लेता है, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है, यदि वे इस पर 2 दिन तक एक साथ में काम करता है तो कितना काम का कितना अंश शेष रह जाएगा। देखिए पूरा काम हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 12 यूनिट हो जाएगा, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 यूनिट, क्योंकि 4 12 बटे 4 करेंगे तो 3, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1। अब देखिए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, दोनों साथ में मिल करेगा तो 4 यूनिट काम करेगा, 2 दिन में कितना यूनिट काम करेगा 8 यूनिट, 8 यूनिट काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, शेष कितना रह गया तो 12 माइनस 8 यूनिट कितना हो जाएगा 4 यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शेष, कितना भाग रह गया तो टोटल काम था 12, बचा हुआ है 4, मतलब 1/3 काम शेष रह गया, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। कहा गया है निम्नांकित बायोग्राफ में एक श्रमिक द्वारा एक वर्ष में 12 महीने में अर्जित की गई मजदूरी को दर्शाया गया है। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है वर्ष के पहले 5 वर्ष में 5 महीने में श्रमिक द्वारा प्राप्त औसत दूरी क्या है, तो पहले 5 महीने में मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, इस 5 महीने में औसत मजदूरी आपको निकालना है, इस 5 महीने में औसत मजदूरी। देखिए औसत मजदूरी मानने के लिए देखिए इस सभी नंबर में से कोई एक नंबर ऐसा ले लीजिए जिसमें को आपको प्लस माइनस करने में आसानी हो। मान लीजिए आपका औसत 9000 रुपया है, 9000 रुपया हम 5 महीने का मान लिए हैं तो 9000 ले लिए। अब देखिए 9000 से कितना ज्यादा है 500, तो 500 जोड़ देंगे ठीक, प्लस इसमें कितना ज्यादा है तो 400, तो 400 जोड़ देंगे, फिर प्लस यहाँ पर कितना ज्यादा है 600, तो 600 जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना है चौथे महीने में 1000 कम है तो 1000 हमें इसको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, फिर पांचवें महीने में माइनस कितना है 500 माइनस में है, इस सभी को क्या करना पड़ेगा एवरेज निकालना है, एवरेज करने के लिए इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए आप ये 500 माइनस में है और ये 500 क्या हो जाएगा 0, देखिए 600 प्लस 400 1000 माइनस 1000 कितना हो जाएगा 0, मतलब जो हमने माना एवरेज 9000 और इसमें जो ये वैल्यू पूरा वैल्यू क्या जाएगा 0, मतलब 9000 प्लस 0 कितना हो जाएगा आपका 9000 ही क्या होगा उसका औसत इनकम होगा 5 महीने का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है एक लारी ने, लारी के पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर है, लारी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या लगभग आपको ज्ञात करनी है, अगर लारी की चाल दे है 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 66 किलोमीटर क्या है एक घंटे में ट्रेवल करता है, एक घंटे में हमसे क्या पूछा गया है कि प्रति मिनट, मतलब उसका स्पीड एक घंटे में अगर 66 किलोमीटर जाता है तो 60 मिनट में कितना होगा, मतलब ये बोलते हैं 66/60 यानी क्या है एक मिनट में तय की गई दूरी है, यही है दूरी, मतलब अब इसको कहेंगे 11/66 मतलब 1.1 किलोमीटर, 1.1 किलोमीटर एक मिनट में ट्रेवल करता है। हमसे क्या पूछा गया है कि प्रति मिनट कितने चक्कर लगाता है, तो देखिए एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, लारी की पहिया कितना की जो त्रिज्या है 182, एक मिनट में तय मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी आपको, तो पहिए की क्या होगा परिमाप, पहिया जो क्या है सर्कुलर पहिया है, पहिए का परिमाप जो होगा वही क्या होगा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 2 पायर होता है ना, 22/7 इंटू 2 कर लीजिए और रेडियस दिया है आपका 182 ठीक है, देखिए इसको पहले आप काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14, 7 × 6 = 42, एक मिनट में सॉरी एक जो पहिया एक बार जो राउंड करेगा तो इतना ये डिस्टेंस क्या है सेंटीमीटर में कवर करता है, 101.1 किलोमीटर को डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना चक्कर लगाने होंगे, तो देखिए क्या होगा टोटल डिस्टेंस से उस एक टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से 1100 हो जाएगा मीटर, इसको और कर देंगे तो ये जगह आपका सेंटीमीटर, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 22 × 2 × 26, यही वैल्यू आपका जो है क्या नंबर ऑफ रोटेशन ठीक है। देखिए अब इसको 11 दूनी
ये हो जाएगा 4 से काट लीजिए, 4 को 0 है तो ये कितना 25, ये मतलब 2500 आपका है यहाँ पर 26। अब इसको डिवाइड कीजिए, देखिए 100 से तो आपका कम आने वाला है लेकिन देखिए 90 से एवव आएगा, ठीक है। देखिए 26 को 25 से डिवाइड किया तो 90 के बाद ही का नंबर आएगा और 100 से लेकिन आपका कम आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 दिया है, डिवाइड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, दो वृत्त एक दूसरे को पी पर बाह्य स्पर्श रूप से स्पर्श करती है, मतलब बाहरी रूप से स्पर्श करती है, दो ट्रेंगल है ठीक है, एक दूसरे को पी पे बाहरी रूप से स्पर्श करती है, यहाँ पर टच किया गया है, ये पी पे स्पर्श करती है। ए बी जो है दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, जो कि ए और बी, देखिए ए बी दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी ये आपको इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, निकालना है ए ए बी पी का वैल्यू, मतलब आपको ये एंगल निकालना है, ये आपका 65 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब कोई भी स्पर्श रेखा है, जब कोई भी मतलब कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट से ड्रॉ की गई स्पर्श जो भी जो टचिंग पॉइंट पे जो कॉर्ड बन रहा है, वह कॉर्ड का जो एंगल बनेगा दोनों कॉर्ड के बीच का एंगल वह कितना होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब ए पी बी का वैल्यू जो हो जाएगा आपका, ये जो वैल्यू है आपका, ये वैल्यू आपका 90 डिग्री है, मतलब तो आपको देखिए ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया है, तो ये एंगल आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस इतना कर लीजिएगा, मतलब ये जाएगा कितना 90 90, फिर 65 माइनस 90 की जगह कितना जाएगा आपका 25, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, सॉरी 3 में दिया हुआ है। अगला सवाल बहुत सिंपल सवाल है, ये सभी नंबर दे दिया, इनमें से कौन सी संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से कोई भी संख्या विभाज्य कब होगा, जब उसके डिजिट का सम 3 से विभाजित हो। देखिए पहला ऑप्शन क्या, कौन सा विभाज्य नहीं है, सबको चेक करना पड़ेगा आपको, देखिए 4 3 7 6 13 13 5 18, मतलब संख्या 3 से विभाजित है। सेकंड को देखिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन चेक कीजिए, इसको देखिए 4 3 7 7 14 8 22 2 24, 24 क्या है, 3 से विभाजित, मतलब संख्या भी 3 से विभाजित होगा, 7 7 14 7 14 कितना हो जाएगा 21, मतलब संख्या क्या है, ये भी 3 से विभाजित है, ऑप्शन नंबर 4 बचता है, ऑप्शन नंबर 4 जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 रुपया का ऋण लिया, ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या के 1/4 है, अगर वर्ष की संख्या अगर टी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, t/4 ठीक है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 रुपये ब्याज के रूप में भुगतान किया तो ब्याज की दर निकालना है, मतलब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रिंसिपल 32,400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट t/4 इंटू टाइम t/100 इज इक्वल टू साधारण ब्याज, जो कि 11,664 दिया हुआ है। देखिए इस 2 0 से 2 0 आपका हो जाएगा कैंसिल, 4 से काटिए, 4 से जो है कैंसिल, 81 टाइम में, मतलब t² का वैल्यू आपको कितना जाएगा, 1,1,6,6,4/81। अब देखिए 81 है तो 9 से कट जाएगा दोनों, 9 एकम 9 9 एकम 9, 26 9 2 18, 9 9 81, 81 और ये जाएगा आपका 54 है, 9 6 54, 1296 ये जाएगा रूट में। देखिए बार क्षण कितना किसका होता है, इसको चाहिए तो एक बार आप 9 से भी फिर से काट सकते हैं, तो 9 एकम 9 9 चौका 36 9 चौका 36, मतलब टी एस का वैल्यू हो गया 144, टी का वैल्यू टाइम आ गया आपका रूट 144, मतलब 12 टाइम, अगर 12 है पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम का 1/4 है, मतलब 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अलजेब्रा का सवाल है, 3y - 3/y = 5 दिया है, तो y² + 1/y² का मान याद करना है, यहाँ से आप देखिए y - 1/y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/3, तो हमें अगर y² + 1/y² निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर मतलब 5/1 का होल स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 जोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 25/9 + 2, 9 हो जाएगा एलसीएम, तो 25 + 18, 25/18 कितना होगा, 43/9। अगला सवाल देखिए पाई चार्ट का है, निम्नलिखित पाई चार्ट है, एक कॉलेज पार्टी में 7 छात्रों द्वारा पहने गए विभिन्न रंगों के पोशाक को दर्शाती है, पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, सभी कलर में कौन कौन से कलर का कितना परसेंट बच्चे पहन के गए हैं, उस सभी का वैल्यू इस पाई चार्ट में दे दिया है। पूछा गया है नीले रंग का पोशाक जो कि 40% का प्रतिनिधित्व वाले त्रिज्यखंड का मान केंद्रीय, मतलब देखिए एंगल परसेंटेज का मान आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, देखिए आपको पता है 100% इज इक्वल टू कितना होगा, पूरा एंगल 100% हुआ पूरा, तो पूरा एंगल कितना होता है पता ही आपको सर्कल पे, 360 डिग्री, मतलब 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.6, 40% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 36 इंटू 4, मतलब 144 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा।
अगला सवाल एवरेज का है, कहा गया इन अ ग्रुप 32 स्टूडेंट द एवरेज वेट कितना है, 32 स्टूडेंट का, 32 स्टूडेंट का एवरेज वेट आपका 18.5 kg है। अगर कहा गया है चार स्टूडेंट ग्रुप को छोड़ के चला जाता है तब जो है 28 लोगों का जो एवरेज होता है वह कितना होता है, 15.5 kg। तो पूछा गया है एवरेज वेट ऑफ द दुज फोर्स, जो चार स्टूडेंट छोड़ चला गया है उसका एवरेज वेट क्या होगा। एक तो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसका इसका मल्टीप्लाई करके अगर माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, चार लोगों का वेट आ जाएगा, उसका एवरेज निकालेंगे फिर चार से डिवाइड करके। एक तो सिंपल फॉर्मूला ये हो गया, या फिर अगर आप स्मार्टली इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो देखेंगे आप क्या यहाँ पर एवरेज में कितना हुआ है, 3 kg का कमी आई है। मतलब 28 लोगों में 3 kg का कमी आने का मतलब उस जो चार आदमी का वेट जो था एवरेज वेट 28 × 3 मतलब 84 kg क्या था, 84 kg इस चार आदमी का एवरेज वेट से एक्स्ट्रा था। ठीक है, एवरेज वेट से एक्स्ट्रा था, मतलब इस चार आदमी का एवरेज वेट जो कितना एक्स्ट्रा था, तो 84/4 मतलब 21 per kg, मतलब 21 पर व्यक्ति जो है 21 kg पर व्यक्ति एवरेज वेट से ज्यादा था। मतलब इस चार व्यक्ति का एवरेज वेट कितना हो जाएगा, अगर 18.5 था एक्स्ट्रा कितना है 21 kg, तो यही दोनों का क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा, इस सभी का चारों व्यक्ति का वेट होगा, मतलब 39.5 क्या हो जाएगा kg, चार व्यक्ति जो छोड़ के चला गया है उसका वेट होगा। या तो सिंपल मेथड से सॉल्व कर दिया या फिर इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वाट ए का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दे दिया गया है, इसके उपयोग करके क्वाट 15 का मान निकालना है। देखिए इस फॉर्मूला को एग्जाम में दे दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया रहता तो आपको तो भी इसी फॉर्मूला का यूज करके क्वाट 15 का वैल्यू निकालना पड़ता, मतलब क्वाट ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और देखिए क्वाट 15 का वैल्यू अगर डायरेक्टली याद है तो बहुत ही बढ़िया, मतलब आप ऑप्शन डायरेक्ट टिक करके निकाल सकते हैं, अगर नहीं भी याद रहता है तो इस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं क्वाट 45 - 30 या फिर क्वाट 60 - 45, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। देखिए क्वाट तो कितना हुआ, क्वाट ए क्वाट बी, मतलब क्वाट 45, क्वाट 45 कितना होता है 1 × क्वाट 30 वैल्यू कितना होता है √3 + 1। नीचे में कितना हुआ क्वाट बी माइनस क्वाट ए, तो क्वाट बी की वैल्यू कितना होता है √3 और क्वाट 45 वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये √3 + 1 मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 4 + 2 √3 बटे नीचे कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 + √3। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। यहाँ से डायरेक्ट इसे ला सकते हैं या फिर इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो भी, मतलब यही आता है रेशनलाइज आपको क्या गया है इसे कि इसके मतलब √3 + 1 से नीचे √3 + 1 से, तो आपका ये वैल्यू आता है, उसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, अनिल और विपिन एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल को ए लेते हैं, विपिन को हम बी लेते हैं, काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि विपिन अकेले उसे जो है विपिन अकेले उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो अनिल उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम 60, ए और बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 4 कैसे आएगा, 60/15। बी की क्षमता कितनी जाएगी, 60/20 3। देखिए ए प्लस बी की क्षमता दोनों की क्षमता है 4, बी अकेले की क्षमता है 3, तो ए की क्षमता कितनी जाएगी, 4 - 3 1, मतलब ए की क्षमता 1 है, तो पूरे कार्य अगर 60 है तो कितना दिन लगेगा, 60/1 मतलब 60 दिन में अनिल को पूरा करने में लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसके हिसाब से करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% का छूट प्रदान करता है और इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है। पूछा गया है वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात निकालना है। देखिए सिंपल है, अगर क्रय मूल्य मान लेते हैं हमें 100 रुपया है, ठीक है, तो कहा गया है 100 रुपया हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। अब कहा एक दुकानदार अपने मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देती है। एक चीज कीजिए आप, इसको मुद्रित मूल्य मतलब मार्क प्राइस ही मान लीजिए 100 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, जो 10% छूट देता है तो मतलब 90 रुपया में बेचता है। 90 रुपया में बेचने के बाद इसका क्या है, 20% का लाभ होता है, मतलब 90/6 × 5 ये होगा एक कॉस्ट प्राइस, मतलब 75 रुपया। हमसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य मतलब 75 और मुद्रित मूल्य कितना है, मतलब मार्क प्राइस कितना है 100, इसका दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब 25 दिया 75 25 4, मतलब 3:4 में दिया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17 - 48/16 मतलब 3 हो जाएगा, 17 - 3 करेंगे कितना होगा 14 + 71 कितना हो जाएगा आपका 85। देखिए प्लस, अब इसको सॉल्व कीजिए इस ब्रैकेट वाले को, देखिए 72 और 36 कितना हो जाएगा 2 और ये क्या है 6 × 7 = 42 / 44/11 मतलब कितना हो जाएगा 4। ये ब्रैकेट इसको आप सॉल्व करेंगे, ये इंटू में है, देखिए ये हो जाएगा कितना आपका 55 - 13 यानी हो जाएगा आपका 42। ये होगा 55 - 13 42 + 13 -
84, 13 माइनस 84 करेंगे आपका तो कितना हो जाएगा आपका 84 माइनस, अगर आप 13 की जगह कितना हो जाएगा माइनस का 71 लिख लीजिए, मतलब 85 प्लस 42 माइनस 71 करेंगे कितना हो जाएगा -29, -29 × 4, देखिए -29 × 29 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 116, 116 मतलब 85 माइनस 116, नीचे में आपका 232 बचा हुआ, इसको भी नहीं छोड़ना है। देखिए तो 85 माइनस 16 करेंगे कितना होगा 15 16 31, 31 बटे 232, ये भी क्या माइनस में, ध्यान रखिएगा माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, -132 31 बटे 232, ऑप्शन नंबर दो में दिया है, ऑप्शन नंबर दो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, sec थीटा का वैल्यू दिया है 4/3, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10/4 थीटा का मान निकालना है, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। देखिए टेन स्क्वायर थीटा का को कॉमन ले लीजिए कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इतना तक समझ गए होंगे। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, तो ये तो आपका होगा sec स्क्वायर थीटा, और इसको क्या ले सकते हैं हम लोग 10 स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक, इसको इतना लिख लेंगे और इसको कितना लिख लेंगे हम लोग sec स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर लेंगे कितना होगा 16/9 - 1, मतलब 16/9 मैं लिख देता हूँ 16/9 - 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 16/9, मतलब ये हो जाएगा कितना 7, इसको जाकर ऐसे लिख लीजिए 16/9 और ये हो जाएगा कितना 7/9, मतलब 112/81, 112/81 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए यदि P cos अल्फा का वैल्यू दिया है 3 और T 4T tan अल्फा वैल्यू दिया है Q, तो P और Q के बीच का रिलेशन निकालना है। देखिए P का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P का जो वैल्यू आपको हम निकालना है P और Q के बीच का रिलेशन, P का वैल्यू निकालेंगे कितना होगा 3/cos अल्फा, cos अल्फा को हम क्या ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा sec अल्फा, मतलब P का वैल्यू कितना हो जाएगा sec अल्फा। इसी तरह से Q का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, Q का वैल्यू हो जाएगा आपका, Q का वैल्यू से दिया ही हुआ है 4 tan अल्फा। अब देखिए कम कीजिए 3 को इधर ले आइए, देखिए sec आपको पता है आपको sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अगर हम sec अल्फा का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं तो p बटे 3 हो जाएगा sec अल्फा का वैल्यू, ठीक है, p बटे 3 और tan का वैल्यू कितना हो जाएगा q बटे 4। अब देखिए sec स्क्वायर इसको स्क्वायर करके मतलब इसको स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1 का वैल्यू, sec स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब p स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस q स्क्वायर मतलब q का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 1 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होता है। देखिए अगला सवाल है, एक चोर अपराध करता है और 12 मीटर प्रति घंटे की चाल से उस स्थान से भागता है, मतलब अगर यहाँ पर चोरी किया तो 12 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह भागता है, फिर क्या है चोर भागने के 20 मिनट के बाद चौकीदार जो है उसका पीछा करता है और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लेता है, ठीक है, तो कहा चौकीदार की चाल ज्ञात करना है। देखिए इसको बिना पेन पेपर यूज किए हुए भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए क्योंकि देखिए आप चोर क्या है 40 मिनट तक भागता है लेकिन चौकीदार क्या है इसको 20 मिनट में भाग के ही पकड़ लेता है, मतलब 40 मिनट में जितना दूरी चोर ट्रेवल करता है उतना ही दूरी क्या है 20 मिनट में चौकीदार ट्रेवल कर लेता है, मतलब क्या हुआ चोर का जो स्पीड होगा उसके दोगुनी स्पीड से क्या होगा चौकीदार भाग रहा होगा, मतलब चौकीदार का जो स्पीड हो जाएगा चोर की स्पीड का दोगुना होगा, मतलब 12 मीटर प्रति घंटा है, अगर चोर का स्पीड चौकीदार का स्पीड कितना हो जाएगा 24 मीटर प्रति घंटा, सिंपल है। इस तरह से इसको आप बिना पेन पेपर यूज किए हुए सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर आप चाहेंगे इसको सॉल्व करना तो क्या होगा आप सिंपल सॉल्व कीजिए, देखिए तो देखिए यहाँ पर 12 मीटर में देखिए 20 मिनट में कितना दूरी ट्रेवल किया, देखिए 20 मिनट में चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा आपका 240, ठीक है, मीटर ये आपको दिया है 240 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लेते हैं चौकीदार का स्पीड कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x किलोमीटर प्रति घंटा इसका हो गया और इसका हो जाएगा 12, तो ये दोनों का क्या होगा दोनों का बीच का इक्विवेलेंट डिस्टेंस। अब जो है इस दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जितना देर में चोर को पकड़ता है तो वो उसके बराबर हो जाएगा, मतलब 20 के बराबर हो जाएगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 20x माइनस 240, ये आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस मतलब 480, 480 इज इक्वल टू 20 एच, इसको काट दीजिए एच का वैल्यू जो हो जाएगा आपका एक्स का वैल्यू हो जाएगा 48/2 मतलब 24 मीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, एक स्कूल में गणित अंग्रेजी और रसायन विज्ञान के सीटों का अनुपात 6:4:7 में है, यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि हो जाती है तो बढ़ी हुई सीट का अनुपात निकालना है, कुछ नहीं करना है, मान लीजिए गणित में 6 है
तो उसमें क्या है 20% की वृद्धि, मतलब 20 का वैल्यू 1/5 होता है, तो वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा 6/5, अनुपात कर दीजिए 4 था इसमें, तो इसमें क्या हुआ 40% की वृद्धि, मतलब 7/5। इसी तरीके से इसमें देखिए 60% की वृद्धि, 7 था, 60% की वृद्धि का मतलब हो गया आपका 0, मतलब 8/5। सिंपल है यहां तक, हो गया। अब क्या है, इसी का आपको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 से 5 सब में कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा। एक काम कीजिए आप, 4 सब, सॉरी हाँ, ये कितना जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा 9। ठीक है, पूरा का वैल्यू कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9। 4 से ये कट गया, 4 से 2 टाइम में कट गया, मतलब 9:7:14, 9:7:14 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक क्या है त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज जो है आपका ए बी सी है, एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक समद्विभाजक, मतलब इंटीरियर जो है ये, इसको समद्विभाजक क्या है ओ पे मिलते हैं, तो एंगल ए बी सी, सॉरी एंगल बी ए सी, बी ए सी अगर दिया है 72 डिग्री, अगर इसका वैल्यू दिया है आपको 72 डिग्री, तो बी ओ सी, बी ओ सी इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, अगर यह समद्विभाजक है, आंतरिक समद्विभाजक है, तो 90+ इसके जो अपोजिट एंगल बन रहा है उसका हाफ, मतलब 72/2, मतलब 90+36 डिग्री, 90+36 का वैल्यू कितना होता है 126, मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछा जाता है, हम सबसे आसान तरीका क्या करते हैं, सी का वैल्यू हम 0 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। ए प्लस बी का वैल्यू आपका हो जाएगा 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपका हो जाएगा 50, आपको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू, सिंपल है, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है, क्योंकि ये सी वाला पार्ट और ये सी वाला पार्ट हो जाएगा 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को आप क्या लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो ए प्लस बी का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 12, ए स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, माइनस ए बी कैसे निकलेगा, तो देखिए इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 144, 144 में से अगर 50 को कर देंगे हम लोग माइनस, तो किसका वैल्यू आ जाएगा 2ab का, 144 माइनस 50 कर देंगे तो आपका 2ab का वैल्यू आ जाएगा, तो इसको आप माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 96, सॉरी 90, हाँ एकदम 96, सॉरी 94, हाँ 94 हो जाएगा, 144 माइनस 50 कीजिएगा तो 94 होगा, किसका वैल्यू आया है 2ab का वैल्यू, ab का वैल्यू कितना हो जाएगा 94 का हाफ, मतलब 47, 47 हो जाएगा ab का वैल्यू, इसको रख देंगे वैल्यू, मतलब 12 × 50 − 47, 3, मतलब 12 × 3 कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। 23 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखिए दो व्यक्ति एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में, देखिए अगर वृत्ताकार ट्रैप है तो इस पे क्या है अपोजिट दिशा में, ए मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और एक बी है, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना प्रारंभ करता है, एक का स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे का स्पीड है 30 मीटर प्रति सेकंड, दौड़ना शुरू करता है, यदि वृत्ताकार पथ की परिधि में टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है इसका 100 मीटर का है, या 100 मीटर का ट्रैक है, तो ज्ञात कीजिए एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदु पर पार करेंगे। देखिए सबसे पहला चीज क्या करना है हमको, ये देखिए एक व्यक्ति को इस ट्रैक पे चलने में कितना समय लगेगा, समय कितना लगेगा, अगर डिस्टेंस हमारा 100 मीटर का है, अगर स्पीड हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो 5 सेकंड में क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को मतलब सॉरी मतलब पूरा चक्कर, यहाँ अगर स्टार्ट करता है तो पूरा चक्कर पूरा करने में इसको 5 सेकंड लगेंगे। इसी तरह से अगर हम बी को देखें, ये मान लेते हैं अगर बी है, बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करता है, अगर ये मान ले यहाँ से स्टार्ट करता है तो फिर यहीं तक आने में कितना समय लगेगा, तो कितना हो जाएगा 132, मतलब 10/3 सेकंड, 10/3 सेकंड बी को लगेगा पूरा चक्कर लगाने में, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है कि ये कितने बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो हम तो ये पहले जान लेंगे कि कितने चक्कर ये लोग लगा रहे हैं, उसके बाद ही पता कर पाएंगे कितने बार क्रॉस करेंगे। तो पहले देखेंगे कितना चक्कर इस पे लगाया जाएगा इन दोनों के द्वारा, तो हम क्या निकालेंगे, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग आखिरी बार कब मिलेगा, आखिरी बार कब मिलेगा, देखिए 5 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, या फिर 10/3 सेकंड में एक चक्कर ये लगाता है, तो आखिरी बार मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर कब मिलेगा दोनों का, जो होगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का 5, मतलब ये जो 5 10, 10/1, मतलब 10 सेकंड के में क्या है, लास्ट का जो 10 सेकंड होगा, फिर से क्या होगा 10 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से लोग मिलेगा, बाकी फिर वही फिर से रिपीट होते रहेगा, मतलब समझ गए होंगे, 10 सेकंड
देखिए 10 सेकंड के बाद क्या होगा, फिर से या अगर पॉइंट ओ से स्टार्ट किया है तो ओ पे ही फिर 10 सेकंड के बाद मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए ए और बी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो दोनों का इक्विवेलेंट स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों के स्पीड के सम, मतलब ऐसे बोलते दोनों पहली बार कब मिलेगा, तो पहली बार कब मिलेगा, 100 मीटर का डिस्टेंस है, दोनों का इक्विवेलेंट स्पीड होगा 30 प्लस 20 मतलब 50, मतलब 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद क्या होगा, पहली बार ये लोग मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम 2 सेकंड के बाद मिलेगा, अगर 10 सेकंड के 10 सेकंड के बाद मतलब इसका आखिरी मिलन है, टोटल कितनी बार मिलेगा, हर हर एक 2 मिनट पे क्या होगा, 2 सेकंड पे एक बार मिलेगा, मतलब 10 सेकंड में कितना बार मिलेगा, 2/10/2 मतलब 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड में यानी कि 5 बार क्या है लोग पूरे 10 सेकंड में ये लोग मीट करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। समझ गए होंगे, हमने कोशिश की पूरी तरीके से आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने की, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दें, इस पे एक सेपरेट वीडियो हम फिर से बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल को चलते हैं, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। क्योंकि अगला सवाल सेकंड लास्ट सवाल है हमारा, एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपया है, मतलब इनकम उनका 80,000 रुपया है, एक्सपेंडिचर जो है 45,000 रुपया है, ठीक है। तो अगर कहा गया है अगर उसकी अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि और खर्च में 8% की वृद्धि हो जाती है तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, वो वैल्यू आपको निकाल, देखिए कम कीजिए आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, मतलब पहले अगर 80 रुपया कमाता था तो 45 रुपया खर्च करता था, तो बचता था कितना था, सेविंग कितना था पहले, मतलब 35 रुपया सेविंग था, ठीक है। अब रखिए न्यू इनकम कितना हो जाएगा, 16% की वृद्धि, मतलब 80 रुपया था, 80 में हम 16% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16% का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4/25 मतलब 29/25 हो जाएगा इसका न्यू इनकम, मतलब इसको आप ऐसे कर लीजिए, 4 से काट 5 6 25 16 5 6 80, मतलब 16 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 नमा कितना होता है 144, 16 दुनी 32 और 114, 32 14 कितना होगा 46, तो 146/5 ये हो जाएगा इसका न्यू इनकम, एक्सपेंडिचर नया एक्सपेंडिचर कितना जाएगा इसका, इसमें क्या है 8% की वृद्धि, मतलब 2/25 मतलब 45 × 27/25 हो जाता है, ठीक है। फिर से काटिए 5 नमा मतलब 243/5। अब देखिए नया सेविंग कितना होगा, इस दोनों को कर लेंगे हम लोग माइनस, मतलब 243/5 माइनस 243/5 तो कितना जाएगा आपका 221/5। अब क्या है ये नया सेविंग है, पूछा क्या गया है हम लोगों से, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये वैल्यू कितने मतलब 221/5 अभी कमाता है, पहले कितना था 35 रुपया, तो 35 में से कितने की वृद्धि हुई तो वो आपको निकालना है, तो देखिए कितना होगा 221 माइनस 35, 5 कितना होता है 175, ठीक है 175, 175 5 आप कैल्शियम लिए हैं तो 5 आ जाएगा आपका नीचे, दोनों को आप घटा लीजिए तो कितना जाएगा 25 और 21 कितना जाएगा आपका 46/5 × 35, अब इसको इंटू 100 कर लिए परसेंटेज में आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, ये आपका हो जाएगा फिर 4, ये हो जाएगा आपका 7, मतलब 46 × 4 करेंगे 160+24 184/7 तो 7 × 2 = 14 14 4 44 7 26 26 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। थोड़ा सा इस तरह के सवाल कैलकुलेटिव हो जाता है, तो आप थोड़ा कैलकुलेशन अपना फास्ट रखेंगे तो कम समय में आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 3168, मतलब लेटरल सर्फेस एरिया दिया है 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई दिया है तो इसका आयतन निकालना सिंपल है। देखिए बेलन का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh इज इक्वल टू 3168 दिया है हमें, हाइट दिया है, हाइट को उधर भेज दीजिए कितना हो जाएगा 48, ठीक है इसको आप कर लीजिए माइनस सॉरी डिवाइड कर लीजिए 48 से, तो एक काम कीजिए काट लीजिए इसको, दो से पहले काटिए इसको 15 × 30 8 × 16 और ये हो जाएगा कितना 4 बार में, एक बार काटिए 6 से 4 से काटिए बार चुका 48, 4 3 12, 4 9 36, 4 6 24, देखिए 12 3 36 और 12 3 36 33 आ गया, ये हो जाएगा पाई आर का वैल्यू आ जाएगा कितना 33, रेडियस हमारा कितना जाएगा 33/π, पाई का वैल्यू भी पुट करते हैं हम आगे पुट कर लेंगे, हमें क्या निकालना है आयतन, मतलब पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई रहने देते हैं इंटू आर स्क्वायर, मतलब कितना होगा 33/60 × 33/7 इंटू हाइट दिया है हमें 48, अब इसी को सॉल्व करना है, यही हमारा आयतन होगा, ठीक है। देखिए पाई सॉरी ये पाई है 33/π पाई है, तो पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, स्पाई का वैल्यू हम हटा के क्या कर लेते हैं, 22/7 लिख लेते हैं। स्पाई को हटा करके 22/7 चला जाएगा ऊपर, बस इसी को आपको सॉल्व करना है, वही आपका आयतन आएगा। देखिए पहले 11 से काटिए, 11 3 33, 11 2 22। अब देखिए 2 से काटिए कितना जाएगा आपका 24। ठीक है, देखिए 3 × 33 × 24 × 7 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा आप, देखिए पहले अगर यूनिट डिजिट निकालना चाहेंगे, देखिए 3 3 9 चौका 36 36 7 मतलब 42, मतलब 2 आपका यूनिट डिजिट आता है। अगर यूनिट डिजिट से सॉल्व करना चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर 3, सिर्फ एक ही जो ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो आप यहां से बिना पूरा कैलकुलेट किए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो इसको कैलकुलेट करके भी आप आंसर मार सकते हैं, जब यूनिट डिजिट अगर सेम दे दिया गया हो। तो इस तरह से आपके टोटल 25 सवालों को हमने काफी ही बेसिक से आप लोगों को बताया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।